इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में और यहाँ पर होटल शो चल रहा है। इस वीडियो के अंदर हम दिखाएंगे कि लाइफस्टाइल जो है किस तरीके से चेंज हो रहा है, हॉस्पिटैलिटी कहाँ पर खड़ी है। I have to say the service here is amazing. I feel very relaxed. Love it. I would definitely recommend it. मेरे ख्याल में जो होटल शो है ये इस पूरे रीजन का सबसे बड़ा जो है ना होटल शो है। हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि दुबई के अंदर सिर्फ ना सिर्फ हम मुस्तफीद होते हैं बल्कि पूरा रीजन जो है और B2B बिजनेस जो है ना यहाँ पे होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लिच डिजिटल, दिस इज आबिद शरीफ। और गाइज, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में और यहाँ पर होटल शो चल रहा है। और लाइफ स्टाइल अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के अंदर हम दिखाएंगे कि लाइफस्टाइल जो है किस तरीके से पूरी दुनिया का चेंज हो रहा है, हॉस्पिटैलिटी कहाँ पर खड़ी है। और अगर आपको खाने को देखना है तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, शेफ टेबल जो सजाते हैं द बेस्ट टेबल जो है वो भी इस वीडियो के अंदर हम दिखाएंगे। आए हमारे साथ चलें। जी गाइस, तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इफ्तिखार हमदानी साहब जो अभी अभी स्पीच देके आए हैं यहाँ पर, मोटिवेशनल स्पीच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप क्या कहना चाहेंगे होटल शो के बारे में? मेरे ख्याल में जो होटल शो है ये इस पूरे रीजन का सबसे बड़ा जो है ना होटल शो है और हम हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में जो है हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हम बहुत सारे जो नई इनोवेशन मार्केट में आती है, जो प्रोडक्ट्स हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं, तो हम बहुत सारे सप्लायर से मिलते हैं, यहाँ पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हम उनसे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं। लाइक आई थिंक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है होटल्स के लिए कि दुबई के अंदर सिर्फ ना सिर्फ हम मुस्तफीद होते हैं बल्कि पूरा रीजन जो है GCC के अंदर देख लें, पाकिस्तान, इंडिया, वहाँ से जो सप्लायर्स आते हैं और वो B2B बिजनेस जो है ना यहाँ पर होता है। और इसके अलावा और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी होती है होटल? दूसरी ये है कि जैसे अब हमारे पास एक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी है, जैसे नॉर्मली मैं स्पीकर होता हूँ सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, तो एक जो आइडियाज़ होते हैं जो हमारे अंदर अपने पास होते हैं वो हम शेयर करते हैं बाकी लोगों के साथ। तो अभी आपने देखा कि इससे पहले जो मेरा सेशन था ये यंग टैलेंट्स के बारे में था कि किस तरीके से हम जो स्टूडेंट्स को अपने होटल्स के अंदर आके उनको इंटर्न्स ले सकते हैं और उनको किस तरीके से हॉस्पिटैलिटी सिखा सकते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेक्टिव जो है ना वो सेशन था यहाँ पर और उससे ऑडियंस बहुत ज़्यादा मुस्तफीद हुई है। सर ये अगर हम होटल शो की बात करें तो ये एवरी ईयर होता है, तो इस ईयर आपको क्या डिफरेंस लगा है? आई थिंक कि नंबर्स बहुत बढ़ गए हैं, खासतौर पे जो पहला और दूसरा दिन था वो तो बहुत क्राउड था और बहुत ज़्यादा बिजनेस भी हुआ है। सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ लोगों का मिलना मिलाना है बट इस रियल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं। तो होटल शो जो है एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक इवेंट बन गया है दुबई के हवाले से और बहुत सारे सप्लायर जो बाहर मुल्कों से आते हैं वो हमारे होटल की ऑक्यूपेंसी भी इंक्रीज़ करते हैं। तो ये जो ड्यूरेशन है 4-5 दिन का, इसमें होटल की ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा हाई रही है। Well, first of all, I have to say the service here is amazing. Really, it was super, super knowledgeable, nice. But the treatment itself, really, I loved it. I feel very relaxed. I feel like the heat wasn't overbearing, you know, but really it was a good treatment to have. Love it. I would definitely recommend it. मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल अजीज जो प्रोफेशनल शेफ हैं 5-स्टार होटल के अंदर। अस्सलाम वालेकुम शेफ। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब आपका मैं देख रहा हूँ वक्तन फवक्तन कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती है, कैसा चल रहा है यहाँ पर? जी सर बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है। आज इस टाइम हम शेफ टेबल कॉम्पिटिशन में है, ऑलरेडी हो चुका है, 3 दिन का कॉम्पिटिशन था और 3 दिन में 9 टीम था, 9 होटल का टीम था इधर और UAE के अंदर। ये पहला एक बहुत बेहतरीन कॉम्पिटिशन है, हर साल हो रहा है, तो बहुत यंग जनरेशन के लिए और शेफ के लिए बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है।